नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। आज करनाल पुलिस द्वारा शहर भर में दल बल के साथ फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च की अगुवाई डीएसपी वीरेंद्र सैनी और डीएसपी राजीव के नेतृत्व में की गई। इसके अलावा सादी वर्दी में पुलिस कर्मचारियों के साथ कई थानों के इंचार्ज तथा महिला पुलिस कर्मी भी मौजूद थे। करीब एक दर्जन से अधिक वाहनों के साथ पुलिस का यह फ्लैग मार्च शहर के करण गेट, कमेटी चौक, कुंचपुरा रोड, अस्पताल रोड, सदर बाजार के साथ साथ शहर के अन्य कई स्थानों पर निकाला। प्रत्येक स्थान पर पुलिस द्वारा मुस्तैदी दिखाई गई। जो भी अनावश्यक रूप से बाहर आता पाया गया उसके वाहनों को जब्त किया गया तथा कई वाहनों के चालान भी काटे गए। इस दौरान पुलिस के साथ आसमान में ड्रोन कैमरे भी चलते नजर आए। आपको बता दें कि इन हवाई आंखों की मदद से करनाल पुलिस चप्पे चप्पे पर नजर बनाए रखे हुए है। करनाल प्रशासन द्वारा सख्त हिदायत दी गई कि लॉकडाउन की उल्लंघना किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस द्वारा प्रत्येक आने जाने वाले वाहन को रोककर उसकी अनुमति और कागजात की जांच की गई। जहां भी कमी पाई गई वहां तुरंत सख्त कार्यवाही की गई। कई वाहनों को पुलिस कर्मचारियों ने उठाकर अपने साथ वाहन में लादा और जब्त कर लिया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि प्रशासन का मकसद सिर्फ और सिर्फ लॉकडाउन की पालना करना है। जिस तरह से जनता ने लॉकडाउन 1 में उनका सहयोग किया है, उसी तरह के सहयोग की लॉकडाउन 2 में भी लोगों से उम्मीद की जा रही है। बिना कारण घरों से बाहर ना निकले, एक प्रश्न के जवाब में डीएसपी ने बताया कि उनकी सुरक्षा को लेकर आईजी भारती अरोड़ा के द्वारा व्यापक प्रबंध किए गए हैं। बकायदा मास्क, सैनिटाइजर और अन्य सुविधाओं के माध्यम से उन्हें सुरक्षित रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि पुलिस का काम पूरा दिन जनता से मिलना जुलना है। इसलिए पुलिस कर्मियों को भी अपने आप को सुरक्षित करके चलना होगा। आपको बता दें कि पुलिस कप्तान सुरेंद्र सिंह भोरिया द्वारा गत दिवस यह अपील की गई थी कि अब थानों में जब्त वाहनों को खड़ा करने की जगह नहीं है, इसलिए जनता उन्हें मजबूर ना करे कि उनके वाहन जब्त हो। लेकिन जो लॉकडाउन का उल्लंघन करेगा उसे किसी भी कीमत में बख्शा नहीं जाएगा। वैकल्पिक तौर पर मंगलसेन ऑडिटोरियम में जब्त वाहनों को रखने की जगह बना दी गई। समाचार एक्सप्रेस की टीम भी लगातार आपसे यह अपील कर रही है कि किसी भी सूरत में घरों से बाहर ना निकले, लॉकडाउन को ना तोड़े। अगर स्वस्थ रहना है और कोरोना को भगाना है तो सरकार के आदेशों और निर्देशों का पालन करें। देखिए करनाल से संवाददाता तरुण मदान की ग्राउंड रिपोर्ट। ये देखिए सर, इस समय पूरा प्रशासनिक अमला करनाल के कुंजपुरा रोड पर है। इस समय पूरा प्रशासनिक अमला, जिसमें बड़े बड़े रैंक के पुलिस अधिकारी मौजूद हैं, वो कुंजपुरा रोड पर फ्लैग मार्च कर रहे हैं। सादी वर्दी में सिविल ड्रेस में भी पुलिसकर्मी मौजूद है। हर आने जाने वाले का पास और परमिशन चेक किया जा रहा है। जो बिना वजह, बिना पास, बिना परमिशन घरों से बाहर हैं, उनके वाहनों को इंपाउंड भी किया जा रहा है। ये देखिए किस तरह से पूरा प्रशासनिक अमला। यहाँ एक और चीज़ दिखाना चाहेंगे, ड्रोन के माध्यम से पूरी चीज़ को निगरानी में लिया जा रहा है। ये देखिए सभी गाड़ियों को रोक रोक कर, वाहनों को रोक रोक कर चेक किया जा रहा है। काफ़ी ज़्यादा रियायतें हमें मिलने की उम्मीद है, तो लोगों से कोशिश करूंगा सिर्फ 6-7 दिन और मेंटेन करें, फिर आपको सारी लिबर्टी मिल जाएगी। कल सर एसपी साहब ने बोला था कि हम वाहन इंपाउंड नहीं करना चाहते, लोग मजबूर ना करें, फिर भी लोग सड़कों पर हैं। देखिए जी, हमने तो अपील की थी, क्योंकि पहले ही हम इतनी गाड़ियां इंपाउंड कर चुके हैं कि हमारे पास स्पेस खत्म हो चुका है सभी थानों के अंदर। और हमने डीसी सर से रिक्वेस्ट करके जो ऑडिटोरियम है उसका जो खुला एरिया है वो लिया है। लेकिन आप भी देख रहे हैं, मीडिया के अन्य बंधु भी देख रहे हैं, और सभी चीज़ों से आपको भी पता लग रहा है कितने ज़्यादा लोग लॉकडाउन को तोड़ रहे हैं। तो इसलिए हमें मजबूरी में इसको इंप्लीमेंट कराने के लिए गाड़ियां पाउंड करनी पड़ रही है। अब देखिए इनका अब जो हमारा अम्बेडकर चौक के पास सभागार है, मंगलसेन ऑडिटोरियम, उसके सभागार में गाड़ियां रखी जा रही है। अभी एग्जैक्ट फिगर मेरे पास नहीं है। अभी तक इंपाउंड की जा चुकी है सर, और एक तो 30 लोग गिरफ्तार हुए इसमें अभी तक हुए हैं, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। नहीं, बिल्कुल सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आज क्या विशेष अभियान चलाया गया? नहीं, रूटीन का है, कोई विशेष अभियान नहीं। सर को जनता से हम यही अपील करना चाहेंगे कि आपने 21 दिन बहुत ही मेहनत और इंटेलिजेंस से इस लॉकडाउन का पालन किया है, और आगे भी निवेदन करना चाहेंगे कि 1 हफ्ता इसका पालन करें। उसके बाद हमें उम्मीद है कि करनाल सेफ जोन में आ सकता है और हमें काफ़ी ज़्यादा लिबर्टीज मिल सकती हैं। सेफ्टी के प्रबंध जितने भी हमारे हैं, सभी को मास्क, सैनिटाइजर, सभी कुछ प्रोवाइड किया गया है। हर नाके को सैनिटाइज किया जा रहा है। एक स्पेशल आईजी मैडम ने, एक हमारे मुलाजिमों के लिए स्पेशल
एक टनल व्हीकल बनाया था जिससे खुद मुलाजिम भी सैनिटाइज हो सके। देखिए सर, ये हमारे साथ एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जिन्होंने हमें ये बताया कि लॉकडाउन की उल्लंघना जो भी करेगा उसे किसी कीमत बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि करनाल में वाहन जब्त किए गए उन्हें रखने की जगह नहीं है, उसके बावजूद भी मंगल सेन ऑडिटोरियम को एक अलग जगह के रूप में चुना गया है जहाँ जब्त वाहनों को रखा जाएगा। साथ ही साथ इन्होंने आम जनता से भी अपील किया, जिस प्रकार से पिछले 21 दिनों के लॉकडाउन में जनता ने सहयोग किया है, आने वाले जो लॉकडाउन 2 है उसमें भी जनता सहयोग करेगी तो करनाल अवश्य ही सुरक्षित स्थिति में पहुंच सकता है। इसलिए हमारी समाचार एक्सप्रेस की भी आप जनता से अपील है कि वह ना करें, ऐसा लॉकडाउन की उल्लंघना ना करें। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।